बेतिया के युवा समाज सेवी इंजीनियर मनीष कश्यप ने कहा कि सड़कों का चौकीकरण का कार्य बेतिया में जोरों पर है और अतिक्रमणकारियों पर भी हाईकोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई हो रहा है। यह अच्छी बात है क्योंकि शहर में जाम की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन बहुत से बस्तियों को भी तोड़ने का आदेश दिया गया है। बस स्टैंड से सारे दुकान को तोड़कर आदेश दिया गया है, जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि इन गरीबों का भी ख्याल रखा जाए। उसका मुद्दा यह है कि बेतिया में अतिक्रमण जो है उसे अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है और बहुत सारी जो बस्तियां हैं जो इलीगल बस्ती है उस बस्ती के लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि बस स्टैंड में जो दुकान है जिसे 1987 के आसपास में लोगों को अलॉट किया गया है वो भी दुकान तोड़ा जा रहा है। तो अच्छी बात है, हाईकोर्ट के हम लोग डिसीजन का सम्मान करते हैं और डीएम साहब जो काम कर रहे हैं उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं, उनके काम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन अगर विकास करना है और विनाश के नाम पे विकास करना है तो ये गलत है। कहीं नहीं तो कहीं 40-50 साल से यहाँ पे जगजीवन नगर और पियोनी बाग में लोग बसे हुए हैं, कहीं नहीं तो कहीं उनको तोड़ के अगर भगाया जाएगा इस समय तो वो गलत है। उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था किया जाए, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है। मुंबई में भी बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ हैं लेकिन उसे तोड़ा नहीं जाता है, जब तोड़ा जाता है तो उनको घर दिया जाता है। पूना में भी बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ थी, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने काम किया उसमें, वहाँ पे भी लोगों का झोपड़पट्टी तोड़ा गया तो उन्हें घर दिया गया। वैसे ही बेतिया में भी अगर आपको इंडस्ट्री बैठाना है, अगर आपको किसी काम के लिए वो जमीन की ज़रूरत है तो आप कीजिए, विकास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों का जब घर टूटेगा तो उन लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था कीजिए। बस स्टैंड में जो दुकान टूट रहा है, जो एक एक दुकानदार का 11-11, 12-12 लोगों का परिवार है, जिनका घर उजड़ रहा है, जिनका दुकान उजड़ रहा है, जिनका बिजनेस उजड़ रहा है, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था कीजिए। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग माननीय हाईकोर्ट से और माननीय डीएम साहब से यही चाहते हैं कि जिन लोगों का घर टूटे, जिन लोगों का मकान उजड़े और जिन लोगों का दुकान टूटे उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था किया जाए।